हेलो हाय माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार रीड करते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। ओके, ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज ए सीरियस डैश सीरियस इन्फेक्शस डिजीज डैट मेनली अफेक्ट डैट लंग्स। द बैक्टीरिया डैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस और स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट्स रिलीज इनटू द एयर वाय कॉफ एंड स्नीज। ओके, वंस डैश इन डेवलप्ड कंट्रीज ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शस बिगेन इंक्रीजिंग इन 1985 पार्टली बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ HIV द वायरस डैट कॉज एड्स HIV। A person's immune system so it can't fight the TB germs in the United States because of stronger control programs. Tuberculosis begin to decrease again in 1993, but it remains a dash. आपको क्या थीम लगा, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि कौन सी है, यानी कि इन्फेक्शस है, डिजीज़ है, क्या डिजीज़ है, टीबी है, यानी कि क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, क्या ट्यूबरक्लोसिस है और फिर क्या है, HIV है, एड्स से। ओके, एक बार फिर हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ओके, ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज ए डैश सीरियस इन्फेक्शस डिजीज डैट मेनली अफेक्ट द लंग्स द बैक्टीरिया द डैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस और स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डैश ड्रॉपलेट्स रिलीज इनटू द एयर वाय कफ एंड स्नीज वंस डैश इन डेवलप्ड कंट्रीज ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शस बिगेन इंक्रीजिंग इन 1985 पार्टली बिकॉज ऑफ इमर्जेंस ऑफ HIV द वायरस डैट कॉज एड्स HIV ए पर्सन इम्यून सिस्टम सो इट कॉन्ट फाइट the TB germs in the United States because of stronger control program. Tuberculosis began to decrease again in 1993 but it remains a एक बार हम समझते हैं इसको। ट्यूबरक्लोसिस एक टीबी एक क्या है, डिजीज है। ओके, एक बीमारी है, इज ए, फिर यहाँ पर क्या बोला, सीरियस क्या है, बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, क्या है, इन्फेक्शस है जो उसके वायरस है, यानी कि जो उसकी संक्रामक है, संक्रामक मतलब कि जो फैल रहा है बीमारी, डिजीज़ मिस क्या हो रहा है, बीमारी या रोग, जो बीमारी है वो क्या हो रही है, बहुत गंभीर रूप से क्या हो रही है, फैल रही है, संक्रामक कर रही है। डैट मेनली मिस क्या होता है, मुख्य रूप से अफेक्ट कर रही है, यानी कि प्रभावित कर रही है द लंग्स, किसको, लंग्स फेफड़े को प्रभावित कर रही है। द बैक्टीरिया वायरस दैट कॉज क्या है, कारण ट्यूबरक्लोसिस और स्प्रेड, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो टीबी है, स्प्रेड क्या कर रही है, बढ़ रही है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या कर रही है, बहुत तेज़ी से क्या कर रही है, फैल रही है थ्रू ड्रॉपलेट्स, यानी कि ड्रॉपलेट्स मीन्स क्या होता है, बूंद होता है, मतलब एक बूंद के थ्रू, रिलीज मीन्स क्या होता है, मुक्त करना, इनटू द एयर वाय कफ एंड स्नीज। कफ मीन्स क्या होता है, खांसी, स्नीज मीन्स क्या होता है, छींक, जो ड्रॉपलेट्स है, जो वायरस है वो हवा के माध्यम से क्या कर रही है, हवा के माध्यम से ही ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो बूंद बूंद के रूप में क्या कर रही है, फैल रही है, यानी कि कफ के द्वारा फैल रही है, स्नीज यानी कि जो छींक आ रही है उसके द्वारा फैल रही है। ओके, समझ में आई बात, इसमें ये बोला है कि जो टीबी है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो बहुत तेज़ी से वो फैल रहा है, तेज़ी से किस लिए फैल रहा है, अभी जो कफ है, यानी कि जो खांसी आती है, जो छींक होता है, जो एयर में जाता है, यानी कि जो हवा में जाता है, वो बूंद बूंद जो हवा में जाता है उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति को बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ओके, अभी आप कोरोना काल को देखे ही हैं, ऐसे ही था,
ओके एक बार देखते हैं फिर से, वंस एक बार, इन डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है यानी कि जो विकसित देश है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शस, जो ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्शस है यानी कि संक्रमित है, बिगेन इंक्रीजिंग यानी कि उनके यहाँ भी बढ़ रही है इन 1985 में। एक बार उनके यहाँ जो विकसित देश है उनके यहाँ भी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी यानी कि फैल रही थी बहुत तेज़ी से। पार्टली यानी कि आंशिक रूप से, बिकॉज ऑफ द ओके के वजह से, बिकॉज ऑफ मिस क्या होगा, के वजह से ऑफ द इमरजेंस ऑफ HIV ओके ह्यूमन, ये हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, इसका फुल नेम क्या हो जाएगा HIV का, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस ओके। द वायरस, जो वायरस है, जो वायरस यानी कि दैट कॉज, इसका जो कारण क्या है, पहले HIV था, इमरजेंस था, फिर उसके थ्रू क्या हुआ, एड्स हो गया, उसके कारण क्या हुआ, एड्स हो गया। HIV जो HIV है यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, फिर क्या है यहाँ पर देखिए, डैज है ए पर्सन इम्यून सिस्टम, जो इम्यून, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसके जो इम्यून जो सिस्टम है यानी कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, सो इसलिए इट कॉन्ट फाइट यानी कि इट कॉन्ट फाइट किससे लड़ नहीं सकता, टीबी जर्म्स, जो टीबी के जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उससे लड़ नहीं सकता। इन द यूनाइटेड स्टेट क्या है, जो US है, जो मेरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसी को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ओके। बिकॉज ऑफ स्ट्रोंगर की वजह से, स्ट्रोंगर यानी कि जो स्ट्रोंगर कंट्री है यानी कि बहुत मजबूत, जो मजबूत कंट्रोल प्रोग्राम है यानी कि स्ट्रोंगर कंट्रोल प्रोग्राम, मजबूत निर्माण कार्यक्रम, ट्यूबरक्लोसिस बिगेन टू ए डिक्रीज, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्या करी, जो बहुत मजबूती से वहाँ पर क्या चलाया गया है, कंट्रोल चलाया गया यानी कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे वो क्या हो कि बहुत कंट्रोल में आ जाए, वो जो डिजीज़ है वो क्या है, कंट्रोल में आ जाए ओके। ट्यूबरक्लोसिस बिगेन टू डिक्रीज, और जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो टीबी है, वो दिन पर दिन क्या कर रही है, घटते जा रही है। डिक्रीज मिस क्या होता है, कम होना, इंक्रीज मिस क्या होना, बढ़ जाना। अगेन एक बार फिर से 1993 यानी कि 1993 में, लेकिन इट रिमेंस ए यह बनी हुई है, क्या बनी हुई है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट मेरा क्या है, फर्स्ट में क्या दिया है पोटेंशियली दिया है ना, पोटेंशियली नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोटेंशियली बोलते हैं ओके। पावरफुली मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली होता है। सरप्राइजिंगली मीन्स क्या होगा, सरप्राइज किसी को देते हैं यानी कि शॉक कर देते हैं, तो ये क्या होता है, सडन बिहेव करना यानी कि सडनली किसी को कुछ या सरप्राइज देना ओके। ब्रॉडली मीन्स क्या होता है, चौड़ा यानी कि ब्रॉडली मेरा है यानी कि एडवर्ब है, यानी कि ब्रॉडली मीन्स क्या होगा, चौड़ा या व्यापक होगा। तो कौन सा आंसर आपको लग रहा है, पावरफुली डिजीज है मेरा, कोई बीमारी, इसमें पावरफुली क्या हम पावरफुली करेंगे, सीरियस क्या है, इन्फेक्शस है, बहुत सीरियस इन्फेक्शस है, डिजीज़ है, इसमें ब्रॉडली व्यापक रूप से नहीं होगा, पावरफुली क्या होगा, नहीं होगा, सरप्राइज तो सडनली कर रहा है नहीं, ये क्या होगा, संभावित रूप से क्या है, सीरियस है, इन्फेक्शस है, डिजीज़ है, ये मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, पोटेंशियली हो जाएगा ओके। मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा संभावित रूप से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियली हो जाएगा ओके। नेक्स्ट में देखते हैं, सेकेंड में मेरा क्या होगा, सीरियस इन्फेक्शस डिजीज़ डैट मेनली यानी कि जो मुख्य रूप से जो अफेक्ट कर रहा है यानी प्रभावित कर रहा है लंग्स को यानी कि फेफड़े को प्रभावित कर रहा है, द बैक्टीरिया जो वायरस है, द कॉज ट्यूबरक्लोसिस और स्प्रेड यानी कि बढ़ रहा है पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है थ्रू, यहाँ पर थ्रू के बाद यहाँ पर देखिए गैप है, टू में क्या फिलअप होगा, फाइन मिस क्या होता है, ठीक है, आपको पता है ये फाइन मिस क्या होता है, अच्छा
ह्यूज मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ह्यूज, ह्यूज मीन्स क्या होता है, विशाल या वास्ट बोल सकते हैं, वास्ट बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, विशाल बोल सकते हैं, ये विशाल तो होगा ही नहीं। डर्टी मीन्स क्या होगा, गंदा, ये डिजीज की बात कर रहा है, यहाँ पर डर्टी वर्ड तो आएगा ही नहीं। टीनी, टीनी मीन्स क्या होता है, छोटा, टीनी मीन्स क्या होता है, छोटा। एक बार देख लीजिए, जो ड्रॉपलेट्स है, जो ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स यानी कि जो हमको कफ और स्नीज आया हुआ है, जो कफ और स्नीज है यानी कि जो खांसी और छींक है जो हवा के माध्यम से फैल रहा है, तो ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटी छोटी बूंदें की जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उसमें से छोटी छोटी बूंद आती है कि नहीं, ड्रॉपलेट्स होते हैं कि नहीं, वो क्या करते हैं, हवा के थ्रू क्या करते हैं, दूसरे पर्सन को क्या करता है, फैलता है। तो यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट, यानी कि टीनी आंसर हो जाएगा। क्या बेटा आंसर होगा, टीनी। ओके, समझ में आई बात, डी इज करेक्ट, टीनी होगा। टीनी मीन्स क्या होता है, छोटा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, थर्ड में मेरा क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, जो हवा के माध्यम से एक दूसरे के थ्रू क्या कर रहा है, फैल रहा है, तो यहाँ पर टीनी ड्रॉपलेट्स होगा। ओके, वंस, एक बार, इन डेवलप यानी कि जो डेवलप कंट्रीज है, अब उसकी बात कर रहा है, जो विकसित राज्य, विकसित देश है, ट्यूबरक्लोसिस, वहाँ पर जो टीबी है, जो उनके इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रहे हैं, 1985 में एक बार जो विकसित देशों में ये जो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन है यानी कि वो भी क्या इन्फेक्शंस है, वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था यानी कि बढ़ रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट्स होता है तर्क वितर्क करना, यहाँ पर आर्गुमेंट्स दिया है। आर्गुमेंट्स मीन्स क्या होता है, ऑगमेंट्स मीन्स क्या होगा, इंक्रीज करना या बढ़ना। ऑगमेंट्स मीन्स क्या होगा, इंक्रीज या बढ़ना। एलिवेट, एलिवेट मीन्स क्या हो जाएगा, कम होना या डिक्रीज बोल सकते हैं। एलिवेट मीन्स क्या होता है, कम होना या डिक्रीज। इन्फ्लेट, इन्फ्लेट क्या होता है, इन्फ्लेट होता है किसी चीज़ को फुला देना यानी कि गुब्बारे में या किसी चीज़ को फुला देना, इन्फ्लेट होता है। वीकनेस क्या होता है, वीकनेस यानी कि कमजोरी होती है। ओके, तो एक बार क्या होता है, जिस देश में ये जो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शस हुआ है, जो बढ़ रहा था, वो क्या किया था, एक बार उसको क्या किया था, कमज़ोर कर दिया था ना, एक बार क्या कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। यहाँ पर भी डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा कि नहीं। एक बार जो इन डेवलप कंट्रीज, वंस, एक बार इन डेवलप कंट्रीज यानी कि जो विकसित देश है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो टीबी है, इन्फेक्शस जो टीबी के जो संक्रामक है, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रहे थे इन 1985 में एक बार बढ़ रहे थे, जब जो ट्यूबरक्लोसिस है इन्फेक्शन हो गया यानी कि संक्रमित होगा, वो क्या कर देगा, उस कंट्री को क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा, यानी कि एक बार उस जो डेवलप कंट्रीज है उसको क्या कर दिया, वीक कर दिया यानी कि कमजोर कर दिया। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट। ओके, डी इज करेक्ट होगा कि नहीं। इन्फ्लेक्ट क्या फुलाया जाएगा, नो। ऑगमेंट, नहीं, ऑगमेंट, ऑगमेंट क्या होता है, इंक्रीज या बढ़ जाना। एलिवेट, एलिवेट मीन्स क्या होता है, कम होना या डिक्रीज होना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, डी। डी क्या होगा, वीकनेस, वो देश क्या हो गया, जो विकसित देश है वो इस बीमारी के कारण क्या हो गया, कमजोर हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ में मेरा क्या है, फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ में हमारा क्या है, पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली मीन्स क्या होता है, आंशिक रूप से, बिकॉज ऑफ की वजह, इमरजेंस, जो इमरजेंस है यानी कि उसकी कारण क्या है, ऑफ एच आई वी, जो एच आई वी है यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, द वायरस दैट कॉज, जो ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस यानी कि जो एच आई वी के जो वायरस है वो किस में चेंज हो जाते हैं, एड्स में चेंज हो जाते हैं। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसका फुल नेम होता है, एड्स का फुल नेम बता रही हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज। बच्चों इसका एड्स का फुल नेम आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, एड्स का नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम ऐसे ही कुछ होता है, एक बार देख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज सिस्टम। ओके, इस एचआईवी, एचआईवी है। फोर्थ में क्या होगा, देखिए फोर्थ में क्या होगा,
यहाँ पर फोर्थ मैंने बता दिया, यहाँ पर वीक होगा जो कंट्रीज है, क्या होगा वीक होगा, नहीं थर्ड, ये थर्ड का क्वेश्चन था, ओके ये फोर्थ का क्वेश्चन है, यहाँ पर वीक होगा, ओके वीकनेस होगा। थर्ड का आप क्वेश्चन नहीं पढ़े, थर्ड का आप देखो, वंस वंस इन डेवलप, यानी कि वंस इन डेवलप यानी कि जो कंट्रीज है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फेक्शस है, बिगेन इंक्रीजिंग इन 1985 पार्टली, यानी कि जो आंशिक रूप से बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ HIV, जो HIV का था उस किस में कन्वर्ट हुआ, एड्स में कन्वर्ट हो गया, ओके एड्स में कन्वर्ट हो गया ना। तो यहाँ पे एवरेज मिस क्या होगा, एवरेज मिस क्या होता है, औसत रूप से, रेयर मिस क्या होगा, दुर्लभ, फ्रीक्वेंट क्या होता है, बार बार किसी चीज़ को बार बार करना, डिस्टिंक्ट मिस क्या होगा, विशिष्ट रूप से, ओके जो ये बीमारी है, जो TB जो बीमारी है, ये क्या है, रेयर है, यानी कि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ बीमारी है, यानी कि यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट, ओके रेयर हो जाएगा। सॉरी बच्चे, यहाँ पर थर्ड क्या हो जाएगा, वंस रेयर यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें क्या हुआ था, रेयर हुआ था, रेयर मीन्स क्या होगा, दुर्लभ, यानी कि बहुत कठिन परिस्थिति, ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंस रेयर इन डेवलप कंट्रीज़, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शस बिगिन इंक्रीजिंग इन 1985, जो 1985 में जो विकसित देश है, जो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो TB से संक्रमित हुए थे, यानी कि बहुत दुर्लभ क्या था, एक बार बहुत दुर्लभ था, यानी कि रेयर कंडीशन था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट, ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा। फोर्थ क्या दिया है, फोर्थ यानी कि फोर्थ में हम देखते हैं ऑगमेंट्स मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ जाना, इंक्रीज। इन्फ्लेक्ट क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाया जाना, फुला देना। एलिवेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को कम कर देना यानी कि डिक्रीज, ओके। वीकनेस मीन्स क्या होता है, कमज़ोर करना। ये तो आपको यही पता है कि जो टीबी है वो हमारे देश को संक्रमित कर दी थी और पूरे लोग को क्या कर दी थी, वीकनेस, जो प्रतिक्षा, जो क्या है, जो इम्यूनो सिस्टम है यानी कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको क्या कर दी थी, वीकनेस कर दी थी। ऐसे ही आप क्लिक कर सकते हो, बट एक बार देख लेते हैं। इन डेवलप कंट्रीज एंड ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन बिगेन एंड इंक्रीजिंग 1985 पार्टली बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ HIV द वायरस डेट कॉज एंड एड्स। HIV डैज ए पर्सन इम्यूनो सिस्टम, ओके जो इम्यूनो सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो जो पर्सन की, उसको क्या कर दी है, कमज़ोर कर देगी, यानी कि डी इज करेक्ट। यहाँ पर फोर्थ में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके फाइव में हम देखते हैं, फाइव में मेरा क्या दिया है, कंसर्न मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ से सतर्क या सावधान होना। हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास पता ही है। कंट्रोवर्सी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ में विवाद में हो जाना। रेमेडी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को पुनः तैयार करना, ओके ये क्या है, ये तो आपको ऑप्शन से ही देख लीजिए, हिस्ट्री तो होगा नहीं, हिस्ट्री इज़ रॉन्ग। रेमेडी मतलब कि पुनः तैयार करना, ये भी रॉन्ग हो गया। कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद, ये तो है नहीं। ये डिजीज़ की बात क्या है यानी कि टीबी की बात किया है, इन्फेक्शस की बात किया है, तो इसमें क्या होगा, कंसर्न होना पड़ेगा, यानी कि सतर्क और सावधान होना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसर्न, ओके यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट, ओके एक बार आप देख लीजिए। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर कंट्रोल यानी कि जो इन द यूनाइटेड स्टेट यानी कि जो USA है, जो संयुक्त अमेरिका है, बिकॉज ऑफ की वजह से स्ट्रॉन्गर कंट्रोल मीन्स बहुत मजबूती से क्या बनाया गया है, कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि क्या जो नियंत्रण कार्यक्रम बोलते हैं, प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हिंदी में, कार्यक्रम, बहुत मजबूत नियंत्रण कंट्रोल क्या बोलते हैं ना, मजबूत नियंत्रण कार्यक्रम हिंदी आप समझ लीजिए, मजबूत कार्यक्रम नियंत्रण। कंट्रोल मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को नियंत्रण करना। प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, कार्यक्रम बोलते हैं। स्ट्रॉन्गर को क्या बोलते हैं, मजबूत बोलते हैं, ओके। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो टीबी है, बिगिन टू ए डिक्रीज यानी कि डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यानी कि डिक्रीज मीन्स क्या होता है, कम होना।
किसी चीज़ का घट जाना, अगेन फिर से एक बार क्या हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ 1993 यानी 1993 में। बट इट रिमेंस मीन्स क्या होता है, रिमेन मीन्स किसी चीज़ को बना रहना, रिमेन मीन्स क्या होता है, बनाए रखना। ओके क्या हो जाएगा, वह बनी है, क्या बनी है यानी कि कंसर्न, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट यानी कि क्या हो जाएगा, कंसर्न हो जाएगा। ओके बच्चों, कंसर्न के स्पेलिंग देख लीजिए, CONCERN कंसर्न, कंसर्न मीन्स क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को नहीं, कंसर्न मीन्स क्या होगा, सतर्क या सावधान। रिमेंस क्या होता है, रिमेंस मीन्स क्या होता है, बनाए रखना, रिमेन मीन्स क्या होता है, बनाए रखना। कंसर्न मीन्स क्या होता है, सतर्क या सावधान, जो बीमारी है जो डिजीज़ है उसे हम क्या करेंगे, कंसर्न करेंगे। ओके ये मेरा 5 में फिलअप हो जाएगा। 4th में यह जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनो सिस्टम है, इम्यूनो सिस्टम क्या हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएंगे। तो 4th वाले में क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। जो वंस रेयर, जो दुर्लभ, जो डेवलप कंट्रीज है वो उसको क्या कर देगा, रेयर कर देगा। वंस रेयर यानी कि रेयर मीन्स क्या होता है, दुर्लभ होना। ओके इसमें मेरा क्या हो जाएगा, टीनी ड्रॉपलेट्स यानी कि जो छोटी छोटी जो बूंदे हैं, कफ यानी कि जो खांसी आ रही है, जो छींक आ रहा है, जो हवा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को फैल रहा है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीनी ड्रॉपलेट्स रिलीज इनटू द एयर वाय कफ एंड स्नीज। ओके इसमें पोटेंशियली होगा, पोटेंशियली मीन्स क्या होता है, संभावित रूप से, पावरफुली यानी कि शक्तिशाली, सरप्राइजिंगली मीन्स क्या हो जाएगा, आश्चर्यजनक, ब्रॉडली मीन्स क्या होता है, व्यापक यानी कि बहुत चौड़े रूप में, ब्रॉडली मीन्स तक क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि जो बीमारी है जो टीबी है वो क्या है, संभावित है, यानी क्या हो जाएगा, पोटेंशियली है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।